दिस इज योर जीके बुक, जीके डिफाइंड क्लास टू। नाउ टुडे वी विल डू चैप्टर फोर, गोल्डन वर्ड्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय गोल्डन वर्ड्स? गोल्डन मीन्स शाइनी, सुनहरा, एंड वर्ड्स मीन्स अक्षर। आप सबको पता है ना अक्षर किसे कहते हैं? अल्फाबेट्स। गोल्डन वर्ड्स शब्द, सुनहरे शब्द। और यू कैन से the words that shows your manners and your etiquettes, okay? चलो अब हम आगे देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि golden words किन्हें कहते हैं। To become a good person, if you want to be a good person, good habits are very important. Like if you want a good person, then develop good habits in you. आपको अपने अंदर good habits, अच्छी आदतें आनी चाहिए, आपके अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। One should use some golden words very frequently, which would help us to become a polite and humble person. Those who uses these words, these golden words, in their daily routine, it help them to become a polite person. Polite means sabrshil. And what is mean by humble? Humble means vinabra. जो विनम्र होते हैं, जो प्राउडी नहीं होते, जो बिल्कुल शांत होते हैं, शांति से सारा काम करते हैं। लेट्स लर्न सम ऑफ दोज गोल्डन वर्ड्स। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे गोल्डन वर्ड्स सीखेंगे बाय फिलिंग अप द क्रॉस वर्ल्ड। दिस इज द क्रॉस वर्ल्ड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, वी हैव टू फिल द गोल्डन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स एंड मेंशनिंग द गोल्डन वर्ड्स इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड, एंड वी हैव टू फिल द सेम गोल्डन वर्ड्स हेयर ऑल्सो। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट। एज यू नो इन दिस पिक्चर द बॉय इज आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम द गर्ल, राइट? लाइक वेन वी आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम समवन, वी शुड से, व्हाट वी शुड से इन दिस पिक्चर, द बॉय वॉन्ट टू से समथिंग, वॉन्ट टू आस्क समथिंग फॉर दिस गर्ल, राइट? वो इस लड़की से क्या कर रहा है, यंग गर्ल से कुछ पूछ रहा है, राइट? तो वेन वी आस्क समथिंग टू समवन, व्हाट वी हैव टू से, वी हैव टू से प्लीज। What we have to say? We have to say please, P-L-E-A-S-E, please. This is the first one. So we have to fill this word here also. P-L-E-A-S-E, please. Right. Now come to point two. Dash, is this your book? Now in this picture, this young boy wants to talk to this girl, right? He want to ask something. तो ये लड़का इस लड़की से कुछ पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? Is this your book? ये बुक तुम्हारी है, right? वो इससे कुछ पूछ रहा है ना। He is asking something to this girl. So if we want to ask something, if we want to interrupt someone, तो what we have to say? We have to say, excuse me. अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं, हमें उस किसी से कुछ पूछना होता है, तो हमें क्या बोलते हैं हम उसको? एक्सक्यूज मी, राइट? तो यहाँ क्या आएगा? एक्सक्यूज मी, ई एक्स सी यू एस ई, एक्सक्यूज एम ई मी, एक्सक्यूज मी। एंड वी हैव टू फिल द सेम वर्ड इन दिस क्रॉस वर्ड ऑल्सो, ई एक्स सी यू S-E-M-E-E, excuse me, right? Now come to the third point. Dash for coming to the party. Now what they all are doing? They are celebrating the birthday. I think is girl ka birthday, right? And he is her friend. Iska kya hai? Friend hai. So now what she says? She invite this boy. इसने क्या किया? इस boy को invite किया अपनी birthday पे, और वो उसकी birthday में आ गया है। तो girl उसको क्या कर रही है? Thank बोल रही है। What she said? She said thank you. जब कोई हमारे यहाँ आता है, हम किसी को invite करते हैं, what we have to say? We have to say thank you. Or if somebody gives us something, so then also we are saying the same word, thank you. Okay, then write thank you over there. T-H-A-N-K, thank, Y-O-U, thank you. And we have to fill the same word over here also. T-H-A-N-K, Y-O-U, thank you. Right? Now come to the fourth one point.
आई एम डैश फॉर हर्टिंग यू नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन. उसने अपना क्या कर रखा था, अपने हाथ जोड़ रखे हैं. इट मीन्स डू ही डन समथिंग रॉन्ग विद दिस गर्ल. ही डन समथिंग रॉन्ग ना, इसने इसके साथ कुछ गलत किया था ऐसा लग रहा है. तो नाउ व्हाट ही इज डूइंग, ही इज फोल्डिंग देयर हैंड्स. वो अपने हाथ जोड़ रहा है. इट मीन्स से ही वॉन्ट्स टू से सॉरी. जब हम कुछ गलत करते हैं, इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग विद समवन, व्हाट वी हैव टू से, वी हैव टू रियलाइज आवर मिस्टेक. हमें अपनी मिस्टेक रियलाइज करनी चाहिए ना, इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग. एंड वी आर नेवर एवर सपोज टू आर्ग्यूइंग विथ एनीबॉडी. हमें किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए. जब हमने अगर कोई गलती की है तो हमें उसको मानना चाहिए. तो व्हाट ही वॉन्ट टू से, ही वॉन्ट टू से सॉरी फॉर दिस गर्ल. व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट सॉरी ओवर देयर. I am sorry for hurting you. I am sorry. मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें hurt किया, मैंने तुम्हें दुखी किया. Right? Now come to fifth one point. In this picture, the girl says, thank you for your help. It means this young boy helped this girl. इस young boy ने इसकी मदद की थी. तो when, if someone help us, जब हमारी कोई मदद करता है तो what we have to say? If someone say thank you for us, अगर कोई हमें thank you बोलता है तो what we have to say in return? हमें क्या बोलना चाहिए उसको return में? जल्दी बताओ क्या बोलना चाहिए. You are most welcome. Right. You are most welcome. Right. Oh, we have to write welcome over here also. Right. बट वी हमने एक चीज़ तो मिस कर दी. वेन वी राइट सॉरी ओवर हेयर, वी हैव टू राइट सॉरी हेयर ऑल्सो. नो प्रॉब्लम, हम अभी लिख देंगे SORRY सॉरी. नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया ना वॉट इज मीन बाई गोल्डन वर्ड्स. गोल्डन वर्ड्स आर द वर्ड दैट वी आर सपोज टू यूज इन आवर जनरल रूटीन, इन आवर डेली रूटीन लाइफ. इफ समवन hurt us or if we hurt someone, so what we have to say? We have to say sorry. If we, for example, if we interrupt someone, so what we have to say? We have to say excuse me. If we want something to someone, we should say please. If someone gives us something, then we should say thank you, right? Or if someone say thank you to us, so what we have to say in return? We have to say welcome. Now come to the gentle advice. इम्पोलाइट टू इंटरप्ट. इट इज़ इम्पोलाइट. ये क्या है? इम्पोलाइट है, अच्छा नहीं है टू इंटरप्ट, किसी को बीच में टोकना. वेन टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो बीच में इंटरप्ट हमें नहीं करना चाहिए. इफ़ यू रियली हैव टू गेट समबडीज अटेंशन, और आपको बहुत ज़रूरी कुछ बात करनी है, आपको उसकी अटेंशन चाहिए, तो वॉट यू हैव टू से? यू हैव टू से एक्सक्यूज मी इन अ वेरी पोलाइट मैनर. In a very polite manner means in a low voice, in a polite manner. धीरे से, बहुत gently, आराम से हमें क्या बोलना चाहिए? Excuse me. Right? I think this chapter is clear to you all. Yes, good morning my lovely kids. Today we will do unit 6, historical monuments. Historical monuments यानी जो हमारी हिस्टोरिकल्स यानी हमारी पुरानी इमारतें होती हैं. मॉन्यूमेंट्स यानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं, जो हमारी इतिहास से चलती आ रही हैं, बहुत पुरानी. आज हम उनके बारे में जानेंगे. मॉन्यूमेंट्स आर सिंबल ऑफ अ कंट्री हिस्ट्रीज. मॉन्यूमेंट्स आर सिंबल्स ऑफ अ कंट्री हिस्ट्री. मॉन्यूमेंट्स जो होती हैं, जो पुरानी इमारतें होती हैं, वो हमारी हिस्ट्री यानी हमारी जो हमारा जो कंट्री है यानी जो हमारा देश है उसकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं. इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री एंड कल्चर. इंडिया यानी भारत के पास बहुत ही रिच, बहुत सारी इतिहास है, बहुत सारा कल्चर है, हमारी बहुत सारी सभ्यता है. वी हैव मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. हमारी बहुत सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, इस पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में. आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट्स. अब हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन बिलो.